ये यूपी पुलिस है भैया, यूपी पुलिस जो बड़े बड़े माफियाओं को पल में छुमंतर करने का टैलेंट रखती है। वहीं अगर कोई पुलिस वाले पर ही गलती से आरोप लगा दे तो वो कहां छोड़ने वाली है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें सेक्स रैकेट संचालिका से देह व्यापार को लेकर बातचीत की गई थी। आपको पहले ही बता दें कि यूपी तक इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। चैट की हकीकत क्या है ये तो जांच में साफ हो पाएगा, लेकिन वायरल चैट के बाद यूपी पुलिस के महकमे में हड़कंप मच गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड मामले की जानकारी मिलते ही जांच के निर्देश भी दे चुके हैं। वहीं इस मामले में कानपुर पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया। दरअसल जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में बना तो सनिगवा के चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार ने चकेरी थाना में पत्रकार नुरुल के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, वो भी अपने ही थाने में। जिसके बाद पत्रकार नुरुल ने भी पुलिस कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देकर आरोप लगाया कि उनके द्वारा चलाई गई खबर में कहीं भी दारोगा का जिक्र नहीं किया गया। बावजूद इसके दारोगा ने उनके खिलाफ FIR लिखाई है। एक व्हाट्सएप पे 9 स्क्रीन चैट वायरल हो रहे थे जिसके आधार पे मैंने न्यूज़ ग्रुप में एक ब्रेकिंग डाली थी। ब्रेकिंग में किसी भी पुलिसकर्मी का नाम नहीं था। उस चैट में क्या था? चैट में भाई दरोगा जी को लड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं, महीने में इतने इतने रुपए में लड़की आती हैं और दरोगा जी को महीनवारी जाती है, ये सब लिखा हुआ था। फिर उस पर भाई मैंने वायरल किया तो उसमें उसके बाद वो ब्रेकिंग चलाने के बाद चकेरी परवारी का फ़ोन आता कि ये वायरल में जो रत्नेश जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि ये इसमें जो प्रमोद लिखा है, प्रमोद कौन है? संगमा चौकी परवारी है क्या? मैंने कहा सर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, प्रमोद ASO लिखा हुआ है, तो आप वायरल है तो आप उसकी जांच कर लीजिए, जानकारी मिल जाएगी प्रमोद जी वही है कि नहीं है। और मैंने किसी का नाम नहीं लिखा ब्रेकिंग में। और फिर कल रात में जानकारी मिली कि चकेरी थाना में आपके इंस्पेक्टर और दरोगा जी ने मिलकर मुकदमा पंजीत करवाया है और रंगदारी की बात उसमें कही है। रंगदारी जैसे कि किसकी तरफ से FIR हुई है? दरोगा जी प्रमोद जी का। क्या FIR में है? FIR में यही है कि स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं और मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, ऑनलाइन में से रंगदारी मांगी। अभी वो दरोगा तो नहीं आया कोई सामने ना? नहीं, जिसने सेक्स वर्कर है वो भी सामने नहीं आया? नहीं नहीं। तो आप किससे मिलने आए थे? यहाँ कमिश्नर साहब से मिलकर गुहार लगाने आए कि मेरे खिलाफ जो फर्जी रूप से मुकदमा लगाया उसको पहले वापस लें और जिनने षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ मुकदमा करें। अब इस मामले पर कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि सारे तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मतलब गजब बात यह है कि जिन दरोगा महोदय के ऊपर आरोप लगा उन्हीं दरोगा महोदय के खिलाफ खबर करने वाले पत्रकार के खिलाफ उन्होंने अपने ही थाने में FIR दर्ज करवा दी। देखिए, हमने यहाँ पे बड़ा साफ कहा है कि ये प्रकरण में एक चैट है, हम उस चैट को एग्जामिन कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक पत्रकार ने हमें कंप्लेन दिया है कि उनके ऊपर FIR हुई है, हम उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं। नंबर तीन, पत्रकार का रोल क्या है, हम इसको भी एग्जामिन करेंगे। नंबर चार, जिसके ऊपर ब्लेम आ रहा है चौकी प्रभारी, हम उसको भी एग्जामिन करेंगे। नंबर पांच, जो सोर्स है जहां से आ रहा है, हम उसको भी एग्जामिन करेंगे। तो विषय जो है गंभीर है और इसके सभी पक्षों को एग्जामिन करना और करेक्टिव मेजर लेना, जिससे भविष्य में चाहे वो हमारे पुलिस के लोग हों, पत्रकार हो या चाहे जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ हो, वो जो सही है वो प्रिवेल करे, जो गलत है वो दोबारा रिकरेंस किसी के द्वारा कभी न किया जाए, यह हम इंश्योर करेंगे। कानपुर से रंजित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।